हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं मयंक और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल टेक्निक्स एट होम पे। तो फ्रेंड्स, सॉरी इस बार मेरे को बहुत लेट हो गया है वीडियो लाने में, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में मैं फंस चुका था अभी। तो अभी मैं आपके लिए वीडियो ले आया हूं। ये जो है डिमांडेड वीडियो है फ्रेंड्स, और कई लोगों को क्वेश्चन था कि हम ये 44-40 का बोर्ड में जैसे वॉल्यूम तो लगा लिए बेस भी और ट्रेबल भी, लेकिन बैलेंस लगाने का कई लोगों को डाउट था, जो कि आज मैं इस वीडियो में आप लोगों का पूरा करने वाला हूँ। बैलेंस लगाने में आपका बिल्कुल भी खर्चा नहीं आएगा, बस 10 से 15 रुपये का खर्चा आएगा और एकदम इजी है बैलेंस को लगाना। मैं आपको ये छोटे से वीडियो में आज पूरा बैलेंस समझा दूंगा कि आप 44-40 या कोई भी स्टेरियो एम्पलीफायर में कैसे जो है बैलेंस लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर से मैं एक बार सॉरी बोलना चाहूंगा कि मुझे बहुत लेट हो चुका है इस वीडियो में, और इसके बाद मैं मोबाइल गैजेट मतलब हेडफोन और यूएसबी केबल सस्ते में आपको कौन सा अच्छा वाला लेना चाहिए उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, जो कि मैं पहले बनाने वाला था, लेकिन अभी मैं ये डिमांडेड वीडियो पहले बना देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी मैंने ये जो है ये 44-40 वाला एम्पलीफायर जो मैंने पहले बना चुका है, आप उसका बटन अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप यहाँ आई बटन में उसका लिंक देख सकते हैं, और इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ये जो है 44-40 का बोर्ड है, इसमें जो है ये मैंने सिंपल सा एक एम्पलीफायर बनाया है प्लास्टिक बॉक्स में। तो अभी हम इसमें जो है पहले से हम इसमें वॉल्यूम बेस ट्रेबल का कनेक्शन कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में, और इस वीडियो में मैं अभी आपको सिर्फ बैलेंस के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये 12 वोल्ट का वायर मैंने कनेक्ट किया है, लेकिन अभी इसे बैटरी में बाद में कनेक्ट करेंगे, पहले मैं आपको बैलेंस का वायरिंग बता दूंगा। और ये आप देख सकते हैं, ये एक स्पीकर मैंने होम थिएटर का लिया हुआ है, आप देख सकते हैं सिंपल सा स्पीकर है ये, और इसमें से जो दो तार निकला हुआ है मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ ताकि हमें आवाज़ अच्छे से पता चले बैलेंस इसमें हो रहा है कि इसमें हो रहा है, तो इसलिए मैं ये स्पीकर यूज़ कर रहा हूँ। पूरा प्रूफ के साथ मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स, और इसके लिए जो हमको सिर्फ ज़रूरत पड़ेगा एक पोटेंशियोमीटर, मैंने 47K का यूज़ किया, आप लोग देख सकते हैं इसका वैल्यू को अच्छे से, आप देख सकते हैं एल्कोन B47K लिखा हुआ है इसमें, आप इसको मार्केट से कहीं से भी परचेस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो ये जो है फ्रेंड्स सिंगल टोन पोटेंशियोमीटर है, हमने जो वॉल्यूम बेस्ड टेबल में यूज़ किया आप लोग देख सकते हैं ये सब जो है डुअल टोन वाला है, आप देख सकते हैं डुअल टोन यूज़ किया है, लेकिन बैलेंस के लिए हमको सिंगल टोन में ही काम चल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें 3 वायर सोल्डरिंग करके रख लिया है, और आपको क्या करना है, इसका सिंपल सा कनेक्शन है ये ऑक्स वायर जो है, तो ये ऑक्स वायर को मैं यहाँ से लगा लेता हूँ पहले, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग ने देखा ये ऐसा टाइप का कनेक्शन है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये जो है ये ग्राउंड वाली वायर है, जो कि ये ऑक्स केबल में रेड वाली वायर है, आप देख सकते हैं वो ग्राउंड में जुड़ी है, और ये लेफ्ट राइट दोनों। तो हमको क्या करना है, सिंपल सा कनेक्शन है ये जो है, इसमें आपको बीच वाला जो है ग्राउंड लेना है, साइड साइड का लेफ्ट राइट लेना है, और इसको ऐसे ही इसमें भी कनेक्ट कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बीच इसमें ऑरेंज वाला जो है इसको मैं ग्राउंड ले रहा हूँ, आप देख सकते हैं ग्राउंड इसमें बीच में कनेक्टेड है, एकदम सिंपल सी वायरिंग है फ्रेंड्स इसकी, और ग्राउंड को हम फिर यहाँ पे ग्राउंड में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें जो है ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये जो है बैलेंस मतलब कि शॉर्ट टाइप का हो जाता है इसमें, और पोटेंशियोमीटर उसमें रेजिस्टेंस का काम करता है, और वही आपका बैलेंस कहलाता है। तो ऐसे हमारा वायरिंग होगा, और फिर इसमें हम लेफ्ट राइट किसी में भी जोड़ सकते हैं, बाकी दो वायर जो है साइड साइड के आप लोग उन्हें देख सकते हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से वायरिंग्स। ये जो है ऑरेंज वाला को बस आपको ग्राउंड में जोड़ना है, कहीं भी आपका ग्राउंड हो, और साइड साइड को लेफ्ट राइट किधर भी जोड़ सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो है हम इसे टेस्ट करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं जो है ये बैटरी को कनेक्ट कर चुका हूँ, मैं इसे चालू कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर LED ग्लो करेगा, आप लोग देख सकते हैं ये चालू हो गया है, मैं इस स्पीकर को यहाँ पे रख लेता हूँ, और अब इसमें आ रहा है साउंड, ठीक है फ्रेंड। जैसा कि आप लोगों ने देखा, जैसे ही हम अगर इस नॉब को पूरा इधर कर रहे हैं तो सिर्फ इस स्पीकर में साउंड आ रहा है, और जैसे कि ये स्पीकर थोड़ा मतलब ज्यादा जो मतलब कम पावर में भी इसमें थोड़ा साउंड आ जाता है,
तो इसीलिए जो है इसमें थोड़ा सा साउंड आएगा बस, लेकिन जो है आपका ज्यादातर साउंड इस साइड माइग्रेट हो जाएगा, और अगर आप इसे बीच में रखेंगे तो दोनों में इक्वली साउंड आएगा, और इस साइड अगर पूरा आप कर देते हैं तो सिर्फ इसमें साउंड आएगा। जैसा कि फ्रेंड्स, आप अगर लोगों आप ने इसमें देखा 10K या 5K का यूज करेंगे तो इसमें आपका साउंड में बिल्कुल भी क्वालिटी का खराबी नहीं होएगा। मतलब जैसे हम अगर इस साइड कर देते हैं तो साउंड थोड़ा सा कम हो जाता है, अगर मीड में रखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो अगर आप 10K या 5K यूज करेंगे तो वैसा नहीं होगा, सिर्फ आपका जो है बैलेंस मेंटेन होते रहेगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैं आपको एक और सॉन्ग भी प्ले करके सुना देता हूँ जिससे कि आपको कन्फर्म हो जाएगा। मिड में है अभी, और ये वाले स्पीकर काम कर रहा है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारा जो है बैलेंस एकदम अच्छे से काम कर रहा है, और ये जो है अच्छे से कंट्रोल हो रहा है बैलेंस। इस साइड कर रहे हैं तो सिर्फ ये वाला स्पीकर काम कर रहा है, मिड में कर रहे हैं तो दोनों स्पीकर अच्छे से काम कर रहे हैं, और अगर इस साइड कर रहे हैं तो ये वाला स्पीकर काम कर रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बैलेंस का भी जो है कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और फ्रेंड्स, लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये सर्किट काम आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।